बाकी जो सारे पॉइंट्स इन्होंने उठाए तो इस पर एचआरएल अभी काम कर रहा है प्रेजेंट के ऊपर, तो इनसे बहुत सारी मदद मिलेगी। और अन्ना जी से निवेदन करूँगा कि उत्तर प्रदेश में और शुभ्रा जी से उत्तर प्रदेश में शनो इंदौर में साथ जुड़ी हुई हैं एडवोकेट शनो का, और जबलपुर की एडवोकेट भी आएंगे। तो आप लोग से निवेदन करूँगा कि इस पर ध्यान दें, जिससे कि कुछ हम लोग ठोस इसमें कर सकते हैं मध्य प्रदेश का काम कर सकते। दूसरा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स वाली जो बात है उस पर भी डॉक्टर साहब कुछ मेरे मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ तो कुछ भी ऐसे एरिया निकलते हैं जहाँ पे कि एचआरएलएम की जो हालत है वो आपके मार्गदर्शन से और या एक दूसरे से सीख एक रास्ता निकल सकता है जिसपे कि जो लॉयर्स काम कर रहे हैं उनको एक दिशा मिले। तीसरा जो लैंड एक्विजिशन वाला बात है कि ये समस्या हमारे एचआरएलएम के यूनिट्स में सबसे ज्यादा आ रही है तो अरुणाचल प्रदेश किलों तक जो पहुंच रही मूवमेंट तो बहुत सारे चल रहे हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट चल रहे हैं, पर कानून का इस्तेमाल जहां हो पा रहा है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अरुणाचल प्रदेश में करीब 2000 डैम बनाने की बात है, एकदम देश का एक पावर हाउस जैसा नदियाँ काफ़ी हैं, तो वहाँ पे लैंड एक्विजिशन एक्ट एक पुराना वाला जो है इसके तहत और गवर्नर को पावर्स हैं ऑर्डर करने की एक्विजिशन तो कर, लेकिन वहाँ पे एक 2003 का एक एक्ट है जिसके अरुणाचल प्रदेश की लैंड एक्विजिशन करने से पहले की जो फॉर्मेलिटीज उनको ले तो वो अगर नहीं हो रहा है। और बाकी ये कि पंचायत की राज तो है वहाँ पे पंचायत कम्युनिटी वो थोड़ा सा और देखना पड़ेगा, थोड़ा मार्गदर्शन जरूर चाहिए होगा। पर वहाँ पर हमारे केसेस है लड़े लड़ रहा है सुनील करके, और यहाँ मध्य प्रदेश में भी प्रेरणा मिलती है काम को लैंड एक्विजिशन वाले नेशनल लैंड्स इम्प्रूवमेंट से समझ के और अच्छा से समझ के क्या हो सकता है। इसके अलावा जो विचार आया कि ये पंचायत पंचायत की राज का जो एकदम से जो वीक हो गए हैं और एग्जीक्यूटिव के अंदर में है तो इस पर नहीं करना कुछ केस और हो तो इकट्ठा करें ये बहुत जरूरी है। तो इस आशय से कि ये दो तीन चार तो एकदम ठोस एरियाज हैं जिनमें कि काम करना है, जेल लैंड एक्विजिशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल के लिए पुलिस फायरिंग और पुलिस ये दो तीन एरियाज तो एकदम साफ साफ सामने आ रहे हैं जिन पर कि तुरंत प्रभाव से काम हो सकता है। इसके साथ आपका निवेदन करूँगा कि आप काफ़ी गर्म ला दें और हो सकता है थोड़ी बारिश हो जाए और अच्छे पिछली बार जब मैं खड़ा हुआ था तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद आज के दिन में मुझे अभी ही बोलना है, इसलिए मैं काफ़ी कुछ लंबा बोलिया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अभी इस सत्र में जब हम डॉक्टर साहब के साथ आमने सामने रूबरू हो रहे थे तो किसान आंदोलन को आपने जिस तरह प्रतिपादित किया कि तमाम दुनिया के बड़े बड़े आंदोलन या हम भारतवर्ष के इतिहास के साथ यदि बात करते हैं तो सारी लड़ाइयाँ जो बड़ी बड़ी आंदोलन के रूप में लड़ी गई वो किसानों से प्रारंभ हुई, यह बात शब्दशः सच है। 1836 में 1857 के आंदोलन की बुनियाद रखी गई थी और वो किसान आंदोलन
गवर्नमेंट को टैक्स देने के तौजी वाले मामले के ऊपर बंगाल के किसानों ने सबसे पहले उसको शुरू किया था, और उसी बुनियाद के आधार पर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम तैयार किया गया था। तो डॉक्टर साहब उस मुद्दे पर जिस बात को कहना चाह रहे थे वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ भी एकदम सही बात थी, और किसानों के आंदोलन का आज जो स्वरूप हो रहा है, जो भू अर्जन या भूमि अधिग्रहण के मामले आए हैं, इसमें हम लोगों का जो परिवेश है मध्य प्रदेश का, मूलतः ये हमारे यहाँ के आदिवासियों का केंद्र था, उनकी जमीनें थी। हमारे अपने जिले में हरदा जिले में जो माइग्रेट होकर के बड़े किसान पंजाब से हरियाणा से आए हैं, हम आपको बताएं कि जो शुरू शुरू में आज से 40 साल 50 साल पहले बरसूद कहते थे, उनके लेबर जो लेबर के रूप में हमारे आए थे, आज वो 700-700 एकड़ 800 एकड़ जमीन के मालिक हैं। तो फ्रॉम वेयर दे हैव गॉट दैट लैंड, वो कृषियों की भूमियों को कहाँ से प्राप्त हो गई, ये कहा जाता है कि बलपूर्वक उन्होंने हमारे गरीब आदिवासियों की जमीन पर किस तरह से कब्जा किया। और ऐसे केस हम लोग हरिमोहन भाई के साथ में, हमारे पास आज की तारीख में 50-50 प्रकरण ऐसे हैं जिसमें आदिवासियों की जमीन पर दबंग किसानों ने उन भूमियों को हत्याया है। तो ये लड़ाइयों को भी अचानक उनको अपने हाथ में लेना होगा, इसमें हम आप सबकी भूमिका, आप सबका रोल, आप सबकी सहायता उसमें बहुत ज़्यादा जरूरी होगी। जहाँ तक जेल की कथा कथा का प्रश्न है, डॉक्टर साहब मैंने जमीन के 5 केस लड़े हैं हरदा जिले में डीजे के सामने। महिला कैदी के साथ में कितनी बर्बरता के साथ, कितनी निर्लज्जता के साथ जेल के अधिकारी पेश आते हैं, ये कहानी इतनी दर्दनाक है कि उस महिला का सार्वजनिक रूप से खिड़की के पास खड़ा करके उसको निर्वस्त्र जैसा करने की स्थिति में उसके मेडिकल एग्जामिनेशन लेडी डॉक्टर कर रही है। ऑन द इंडिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ऑन द इंडिकेशन ऑफ द कलेक्टर होशंगाबाद। तो ये जो प्रश्न है, जहाँ हमारी नारी शक्ति की मर्यादा का जहाँ सवाल आता है, जब उसके साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है, तो सुनीलम तो एक बड़े खिलाड़ी हैं, सुनीलम तो इस आंदोलन के प्रणेता हैं, सुनीलम तो इस जमीन को तैयार करने वाले योद्धा हैं। तो इनके साथ जो हुआ है उसको तो वो लोग वीर चक्र और अर्जुन चक्र की परिकल्पना करते हुए कि ऐसा करने से उनका कुछ पद या उनका कद बड़ा हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें आई हैं ये जेल के मैनुअल के साथ ही, हम सबको इन सब बातों में मानव अधिकार को वहाँ कोरिलेट करना पड़ेगा कि हाउ दी ह्यूमन राइट्स आर एप्लीकेबल ऑन दीज इशूज, हम अपने ह्यूमन राइट्स को किस तरह एप्लीकेबल कर सकते हैं। और लास्ट जीस्ट जो है इस सत्र का ये है कि सत्ता के परिवर्तन से समाज का परिवर्तन नहीं हो सकता। जब तक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, हम किसी भी बड़े परिवर्तन की आकांक्षा इच्छा नहीं कर सकते। इसलिए डॉक्टर साहब की जो अंतिम बात है वो ये है कि हमको एक वैकल्पिक मॉडल सोच करके रखना होगा ताकि हम आम आदमी को अच्छा जीवन दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात को विराम देंगे, आज के सत्र को विराम देंगे। आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना, अपना पार्टिसिपेशन रखा, लेकिन जाते जाते मैं एक बात की ओर आप सबका अनुरोध, आप सब यहाँ जितने बैठे हैं सभी एचआरएलएम के साथी हैं, और सब अपनी अपनी भूमिका कैसे तय कर सकते हैं कि मैं एचआरएलएम के प्रतिनिधि के रूप में ये कर सकता हूँ, यहाँ से मैं ये कर सकता हूँ, तो ये मंत्र लेकर कल अगर सब बैठे तो मुझे लगता है कि उम्मीद की किरण जागेगी। अदरवाइज मुझे लगेगा मैं अकेले कब तक करूँ, मैं भी भाग जाती हूँ। इन्हीं के पास फोन लगा के बोलते हैं कि अचार को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो शायद मेरे को लग रहा है कि आप सब पर टिप्पणी के साथ साथ वो मेरे ऊपर भी टिप्पणी कर रहे थे। तो मेरा कहना ये है कि सबसे अच्छा सबको एक एक कागज दे दीजिए, नोटबुक तो दी हुई है, और कल सबको वो लेकर के आएगी हम अचार के लिए क्या कर सकते हैं, और जब सुबह सत्र शुरू हो तो सबसे पहले सब लोग बताएं कि हम क्या कर सकते हैं, फिर उसके बाद में सत्र चालू करें। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत अगर छोटा छोटा भी जिम्मेदारी साथी लोग लेंगे तो एक बड़ा रूप जो है कम से कम टीम का बन पाएगा।